हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट है पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 2789 क्लर्क की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन निकाली गई है। और यहाँ जो है पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 2789 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन निकाली गई है, ये तीन अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसमें की 17/21 जो एडवर्टीजमेंट है वो क्लर्क की वैकेंसियों के लिए निकाली गई है, 18/21 जो एडवर्टीजमेंट है वो आईटी क्लर्क के लिए निकाली गई है, और 19/21 जो एडवर्टीजमेंट है वो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी के लिए निकाली गई है। और इन तीनों ही एडवर्टीजमेंट में कुल मिलाकर जो क्लर्क की वैकेंसियां निकलती हैं वो 2789 वैकेंसियां निकलती हैं। यहां दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इन सभी क्लर्क की वैकेंसियों पे कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहां इन सभी पोस्ट पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही यानी कि 23 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं, और आईटी क्लर्क और अकाउंट क्लर्क की पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए वो 15/11/2021 रखी गई है, और क्लर्क की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लास्ट डेट रखी गई है वो 18/11/2021 रखी गई है। जहाँ जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई है अलग अलग PSSSB की तरफ से, इसमें जो कुल वैकेंसियां हैं वो हैं 2789 वैकेंसियां, उसमें से क्लर्क के लिए जो वैकेंसियां वो हैं 2374, आईटी क्लर्क के लिए जो वैकेंसियां वो है कुल 212, और अकाउंट क्लर्क की कुल वैकेंसियां हैं 203। और इन सभी कैटेगरियों में अलग अलग एडवर्टीजमेंट भी जो है वो PSSSB की तरफ से निकाली गई है, जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। अब बात करें क्लर्क की वैकेंसियों पे कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे उन सब की सैलरी के बारे में, तो यहाँ जो कैंडिडेट का बेसिक पे होगा वो 19,900 रुपए होगा, और उसके अलावा बाकी के सारे अलाउंसेस एज पर रूल कैंडिडेट को दिए जाएंगे, यानी कि कैंडिडेट की जो एक्चुअल सैलरी है वो लगभग 30,000 रुपए महीना होगी। अब इसमें आगे बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज कैंडिडेट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्लर्क की वैकेंसियों के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन कैंडिडेट ने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, साथ ही कैंडिडेट के पास कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट हो, या फिर कैंडिडेट ने कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रखा हो जो कि इक्विवेलेंट हो ओ लेवल सर्टिफिकेट की, जो कि दिया जाता है DOE ACC के द्वारा। तो जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता होगा वो यहाँ क्लर्क की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। आईटी क्लर्क की वैकेंसियों के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर कैंडिडेट ने BSc कर रखी है IT से, या फिर कैंडिडेट ने BCA कर रखी है, या फिर कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या कोई भी अदर इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन हो अगर कैंडिडेट के पास रेलेवेंट डिसिप्लिन से। आईटी क्लर्क की पोस्ट पे कैंडिडेट की जो है वो इंग्लिश की और पंजाबी की टाइपिंग भी मांगी गई है, और इसमें जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हुए वो आईटी क्लर्क की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे लास्ट कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो है क्लर्क अकाउंट की, इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने BCom कर रखी हो, साथ ही कैंडिडेट के पास जो है कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट हो, या फिर कैंडिडेट ने कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रखा हो जो कि इक्विवेलेंट हो ओ लेवल सर्टिफिकेट के, जो कि दिया जाता है DOE ACC के द्वारा, साथ ही कैंडिडेट की जो है इंग्लिश और पंजाबी की टाइपिंग स्पीड जो है कम से कम 30 वर्ड पर मिनट हो, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहां अकाउंट क्लर्क की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें बात करते हैं कैंडिडेट की एज लिमिट के बारे में। यहां जो एज लिमिट रखी गई है उसमें 18 से 37 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और यहाँ आपकी एज लिमिट को कंसिडर करने के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2021 रखी गई है, और उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी को जो है वो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो दो फेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहली स्टेज में कैंडिडेट का रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को मिनिमम 40% नंबर स्कोर करने होंगे, तो ही कैंडिडेट का रिटन टेस्ट क्लियर माना जाएगा। और इस रिटन टेस्ट के बाद कैंडिडेट का जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा कि कौन सी पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट होना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें आगे बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 1,000 रुपए रखी गई है। SC, BC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपए रखी गई है।
एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो ₹200 रखी गई है, और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो ₹500 रखी गई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल के सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें।